हेलो दोस्तों, जिस राजा खान और आप देख रहे हैं NPJ ट्रैवल चैनल। आज मैं पोखरा के गंडकी ट्राउट फार्म कास्की ज़िला में हूँ। यही बहुत ही खूबसूरत जगह है, नेपाल के ही खूबसूरत जगह में है। आज हम आपको दिखाएंगे ट्राउट फिश की फार्मिंग कैसे होती है, और इसके ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको कि ट्राउट फिशिंग कैसी होती है, यहाँ पे ट्राउट मछलियाँ कैसे पाली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आप देख ले, सराउंडेड बाई माउंटेन्स। ये गाइस यू कैन सी देयर लॉट्स ऑफ नहीं। बड़ा वाला ले आए? कहाँ वाला ले आते हो?
अले क्या बना रहे तू? अली भाई तो कितनी मछली खाने का इरादा है? आज एक दर्जन मछली खाएंगे। एक दर्जन मछली खाओगे और ट्राउट मछली खाओगे भाई? ओके यार, यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत ही अच्छी, बहुत ही उमदी ड्राइव की आपने। यस, आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर फॉर ड्राइविंग सेफ। बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई, आप ऊपर से जा सकते हैं, मैं आपका ले दूँ, आप जाइए वहाँ से। ये आया मेरा, ये मेरा हीरो आया, देखे भाई। हाँ हाँ, चल बता दे ट्राउट, ट्राउट मछली के बारे में बता दे कुछ। पहाड़ों में मिलती है शायद। हाँ हाँ, समुद्र जैसा नहीं होता। अच्छा, जबरदस्त। और खासियत क्या है? आप खुद मछली पकड़िए। हाँ, खुद दे सकते हैं। इतना ही ज़्यादा बनाने को आपको टाइप चाहिए, फ्राई चाहिए? हम लोग ब्रेक लेंगे थोड़ा सा ना, मछली भी दिखा दूंगा। अच्छा, आज भाई ये खिलाएगा मछलियाँ, मछली जल की रानी। यहाँ दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं और देख सकते हैं आप, ये देख फ्राइड चीज आई हुई है, ये देखें यहाँ की। ये हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, ये प्राउड फिश है और फ्राइड के अलावा यहाँ का थका जी खाना नियमित है। यस गाइस, दैट्स द ट्राउट फिश एंड वेजिटेरियन फूड हियर। एनीबॉडी गॉट हियर? वाओ, द ओपन इट, ओपन इट, ओपन इट, ओपन इट। जी हाँ दोस्तों, शक्ल देख सकते हैं, ये मछली खाने वाले लोग हैं भाई। ये देखो मछली ये खाएंगे, ये देखो ये सब मछली खाने वाले हैं, और ये सब मछली खाने वाले। हम तो बड़े वेजिटेरियन, ये देखते मछली करी है, और ये देखो, हाँ ये देखो मुँह में पानी आ रहा है इसकी। चलो शुरू करो भाई, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं एनपीजे ट्रैवल चैनल, दिस इज़ राजा खान जी। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से पोखरा लेक साइड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी जाके ब्लॉग बनाएंगे। तो आप देखते रहें, बने रहें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।